ओम शांति। आज 30 अगस्त 2024, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे मुरली मंथन करते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सवेरे शाम और रोजाना के लिए एक ही लिंक है। यदि आपको लिंक नहीं प्राप्त हो रहा है या वर्क नहीं कर रहा है, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप इसी वीडियो में सामने चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख करके लिंक दोबारा मंगा सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो वो लिख कर भेज सकते हैं, प्रश्न भेज सकते हैं, और आपका कोई विचार जो सबके हित में हो और वो भी आप लिख करके भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। तुम्हें किस बात की खुशी होनी चाहिए? हमें स्वयं परम पिता परमात्मा, जो सारी सृष्टि का दुख हरने वाला बाबा है, वो हमें पढ़ाने के लिए परम धाम से आया है और हमें पावन बनाकर सुख धाम में ले जाने वाला है। खुद सुख धाम में नहीं जाता और हमें सुख धाम में ले जाता। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। स्वर्ग में परियां होती हैं। परियों में और फरिश्तों में क्या अंतर होता है ये कहीं समझ में नहीं आता। फरिश्ते सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं और परियां स्वर्ग में दिखाते हैं। और स्वर्ग भी अपरियों के लिए भी यही कहा जाता है कि वो उनको भी आदम मनुष्यों के साथ वो नहीं रहते, मनुष्यों से उन्हें परहेज होता है। और कोई परी इस आदमों की दुनिया में आ जाती है तो बड़ी मुश्किल से वो वापस जा पाती है, क्योंकि उसके पंख काट देते हैं। और कोई फिर फरिश्ता आता है, उसके वो पंख उसको देता है और वो वापस अपने परियों के लोक में जाती है। ये केवल कल्पना की दुनिया में कहें, स्वप्न दुनिया कहें, बाकी सच की दुनिया कोई है नहीं। सतयुग में भी ऐसे कोई परियां नहीं होती जो उड़ती फिरे। सूक्ष्म वतन में भी कोई ऐसी परियां नहीं होती जो उड़ती फिरे। परंतु हां, इस समय बाबा आकर जब हमें ज्ञान सुनाते हैं, हम उस ज्ञान के नशे में जो उड़ते हैं, ये हमारा उड़ना फरिश्ता या परी बनता है। खैर, वापिस हम आते हैं। हमारा मेन मकसद है कि स्वयं परमात्मा आकर हमें स्वर्ग में ले जाने के लायक बनाते हैं। प्रश्न, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती और क्यों नहीं होती? बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती तो क्यों नहीं होती? उत्तर, कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं और कोई में जरा भी खुशबू नहीं। कोई की अवस्था बहुत अच्छी होती है, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते। ये सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती। क्यों?
कोई पास हो गया है बहुत अच्छे अंक लेकर के खुशबूदार फूल बन गया है और कोई नहीं। बाबा को चिंता नहीं क्योंकि बाप जानते हैं, बाप जानते हैं कि ये सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। तो क्या हो गया राजधानी स्थापन हो रही है, तो कोई राजा बनेगा कोई प्रजा बनेगा, सब अलग अलग बनेंगे। और यहां हमें क्या बात समझ में आई, बाबा को यह मालूम है कि हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा यूनिक है। एक हमें अपनी सेवा दे देनी है, उसके बाद वो लेना उसका काम, उस पर चिंता नहीं करनी हमें सबसे। वो तो है, पहली बात हमको जो अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में बिठानी है कि हर आत्मा यूनिक है। एक आत्मा का पार्ट ना मिल सके किसी भी आत्मा से, ना उसका रूप ना उसके गुण, उसका कोई भी पार्ट किसी भी आत्मा से नहीं मिल सकता। उसकी पोजीशन, उसकी स्टेज, उसकी आईडी बिल्कुल अलग है, उसका पूरा रोल ही अलग है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। मैं चाहूं कि सारे मेरी तरह से अपना पार्ट प्ले करे, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हर एक आत्मा ने अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले करना है। वो जो कुछ भी अपने पार्ट में कर रही है वो एकदम एक्यूरेट कर रही है, वो अपने पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं कर रही है। ये बात बुद्धि के अंदर अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर उसने मेरा कहना क्यों नहीं माना, क्यों माने वो तुम्हारा कहना भाई, मैंने इतनी बार समझाया मेरी बात मानते ही नहीं है, कैसे मान ले भाई। उसने बाबा की ही उतनी बात माननी है जितना उसका रोल है, बाबा की बात को भी वो नहीं मानेगा यदि उसके रोल में नहीं है। सारे सृष्टि के रचयिता, गाइड, मार्गदर्शक, सर्व का कल्याण करने वाला बाबा, उसकी भी बात को उस आत्मा ने उतना मानना है जितना उसका रोल है। फालतू बात वो मानेगा ही नहीं। इस कल्प में उसको कोई छोटी सी बात नहीं समझ में आ जाए, नहीं हो सकता। एक सेकंड के लिए वो अपने पार्ट को चेंज नहीं कर सकता। परमात्मा अपना कोई प्रभाव दिखा के उसके पार्ट को एक सेकंड के लिए भी चेंज नहीं कर सकता। ये ताकत परमपिता परमात्मा में भी नहीं। फिर मैं क्यों परेशान हूं? बाबा को पता है मैं नहीं बदल सकता, बाबा चिंता नहीं करता, मैं क्यों चिंता करता हूं? मैं सवेरे से शाम तक बच्चे को पढ़ा 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 पागल हो जाता हूं, और इसका भेजा ऐसा है कि इसमें कोई बात घुसती नहीं है। पिटाई कर लो, प्यार से समझा दिया, सुधरने का नाम ही नहीं लेता। ये मेरे कुल का नाम डूबेगा, थर्ड डिविजन नंबर लेके आ जाता है। शर्म आती है मुझे कहीं भी बताते हैं। बे मतलब शर्म आती है, किस बात की शर्म आती है तेरे को भाई? उस आत्मा का रोल वही है,
वो अपना रोल तुम्हारे कारण चेंज नहीं करेगा। ये बात हमने अपनी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह समझा देनी है। फिर मैं अपनी अवस्था क्यों खराब करूं? मैं अपना ब्राह्मण जीवन, खुशियों से भरा जीवन, उमंग उत्साह से भरा जीवन क्यों मैं जो है ना खराब करूं? नहीं, कभी नहीं खराब करूं। ये बात बाबा को समझ में आ गई है, हमें भी समझ में आनी चाहिए, हमें भी इस बात को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। मेरी अवस्था में कभी भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए, मैं भी फीलिंग प्रूफ हो जाना चाहिए। जैसे बाबा फीलिंग प्रूफ है, ऐसे मैं भी फीलिंग प्रूफ होना चाहिए। और इस चाहिए के लिए बैठकर मन मना भाव करना है, इसके लिए ही बैठकर अपने आप को अच्छी तरह समझाना। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, सत्यु की राजधानी स्थापन हो रही है, फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद मेरा। माया के तूफानों से डरो नहीं, क्योंकि उतने जितना उनकी सामर्थ्य है उतना ही तो याद में रहेंगे, फालतू तो हो ही नहीं सकते ना। तूफानों से डरो नहीं, हमने हर आत्मा को इक्वल देखना है, चाहे वो होशियार है तो चाहे वो नालायक है। बाबा केवल कंपटीशन कराने के लिए थोड़ा कह देते हैं, परंतु बाबा को कोई भी अपना पराया गैर नहीं दिखाई देता। ओम शांति। मीठे थे मीठा बाप, बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, ये तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहां तुम जब बैठते हो तो ये याद रहना चाहिए कि बहुत मीठा मीठा बाबा है और उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है, स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहां तो वैशाल्य में बैठे हो, यहां तो वैशाल्य में बैठे हो, कितना मीठा बाप है, कितना मीठा बाप है, कितना मीठा है बाबा। सोचा है कभी? बाबा अपने तरीफ खुद अपने मुंह से कर रहे हैं। देख लो, पता नहीं कैसी चीनी लगा के आया हो। अब करो तो अच्छा भी लगता, खुद अपने मुंह से मीठा मिल रहा है बाबा। अच्छा है, तभी तो है, तभी तो कह रहा हूँ मीठा हूँ मैं, मीठा हूँ मीठा, कितना मीठा हूँ। ब्रह्मा बाबा बोल दो। हाँ जी, ये ब्रह्मा बाबा नहीं बोल सकता, ब्रह्मा बाबा की पिटाई हो जाएगी। अगर तू कहां से मीठा हो गया, शरीर लेके मोटा सा, सुख देने वाले हैं सबसे ज्यादा। यहाँ तो वैशाल्य में बैठे हो, ये दुनिया सारी क्या है, वैशाल्य। कितना मीठा बाप है, वो खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप हमको आधा कल्प सुख दाम के वे ले जाने वाला है, आधा कल्प दुख हरने वाला है। ये ब्रह्मा दुख हरने वाला नहीं हो सकता, ब्रह्मा नहीं ले जाने वाला, ब्रह्मा तो खुद बेचारा अधीन है उसके, ले जाएगा। वो भी पुरुषार्थी है, उसको भी कोई रहम नहीं करता है। खांसी आ जाए तो अपनी भुगत खांसी, मेरा क्या मतलब, दम है तो तेरे को है, मैं कल चला लूंगा मुरली,
बाद में लिखवा के बुलवा दूंगा तेरे को। उसे कोई रहम नहीं है, उसको याद कर कैसे करता है। याद करते करते ब्रह्मा बाबा कहता मैं भूल जाता हूं। दुख हरने वाला है, एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं और कोई नहीं समझा सकते। वंडरफुल बात, और कोई नहीं समझा सकते। ये चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, ये सारा चपटी में समझाते हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे। चपटी मीन्स क्या होगा? कौन बताएगा चपटी भाई? ये चपटी क्या ले आया बाबा पत्नी कहां से? चुटकी में। चुटकी? अच्छा चुटकी, ये हाँ, ये चुटकी को बाबा कह रहा है चपटी। चुटकी को कह रहा है चपटी, जैसे चुटकी बजाते हैं ना ऐसे, बस चुटकी बजाते ही काम हो जाए एक सेकंड में। यहां तो रहना ही नहीं है, साथ में ले जाएंगे कहते, यहां तो रहना ही नहीं है क्योंकि अब आग लगानी है। मैंने बाबा को पता है सारी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए सबको लेके जाना है। यहां तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाऊंगा, सभी आत्माओं को साथ ले जाऊंगा, सभी आत्माओं को साथ ले जाएगा। हाँ, सारे बाबा के साथ जाएंगे, लाइन लाइन में जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे। हम तो पढ़ते थे हाँ, मैं जो सजनी बनेगी वो साथ चलेगी, और जो घराती होंगे वो उसके पीछे पीछे चलेंगे, और पीछे पीछे फिर बराती आते जाएंगे। हाँ जी, उसका बोल के ठगना है, वो बोल के ठगना है, गलत है वो भाई। बराती तो भाई बारात तो जाएगी ना, शंकर की बारात भी गाई जाती है, और आप सारी बातें उल्टी कर रहे हो। तो बेचारे जो सुनने वाले हो कहते हैं भाई जी क्या करते हो, शंकर की भी तो बारात थी ना, उसमें भी भूत प्रेत लूले लंगड़े अंधे काने सारे जाते हैं। ये भी सबको लेके जाता है, सभी आत्माओं को लेके जाता है। तो सारे पीछे पीछे नहीं जाएंगे, सारे एक साथ जाएंगे, और एक ही सेकंड में जाएंगे। फिर ये साथ कैसे होगा? ये साथ का अनुभव हम सबने पहले करना है, इस समय करना है। जितना हम अभी बाप समान बनते जाएंगे तो नेचुरल आप समझ सकते हैं कितनी खुशी होगी। बाप समान बन के हम हर अवस्था को, हर परिस्थिति को देखेंगे, हर घटना को देखेंगे, तो सोचो कितनी खुशी होगी। शारदा क्या पूछना चाहते हैं? शारदा शर्मा कुछ पूछना चाहते हैं? वह हमें बहुत अच्छी तरह से ये बात समझनी है कि हमने बिल्कुल बाबा के समान जितना अधिक जितना जल्दी बन सकते हैं वो अभी उसका अनुभव ले ले। उसका हम साथी बनना चाहे साथी बन जाए, सजनी बनना चाहे सजनी बन जाए, साजन बनना चाहे साजन बन जाए, भाई बनना चाहे भाई बन जाए, बहन बन जाए, जो मर्जी, सारे रिश्तों का आनंद केवल और केवल हम अभी इसी समय ही ले सकते हैं। और हमें कमाल की बात है, हमें समझ में आ गया है सारे संबंधों का रिश्ता, सारे संबंध हम एक बाप के साथ अभी कैसे निभा सकते हैं। कोई बताएगा ताकि बाकी सबको भी समझ में आ जाए कि हम सारे संबंध बाबा के साथ कैसे निभा सकते हैं। बुद्धि से बाबा के श्रीमत पर चलते हुए सारे संबंधों को जीना है। और भाई जी बाबा सारे संबंधों का, सारे संबंधों का आधार सिर्फ प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम। और कैसे सारे संबंध हमने बाबा के साथ, हम उसे साजन बनाए, सजनी बनाए, टीचर बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, दोस्त बनाए, नौकर बनाए, चाकर बनाए, जो भी हमें जरूरत हो हम उसे बना सकते हैं। सारे संबंध
आत्मिक स्थिति में स्थित होकर भाई जी हम कुछ भी रिश्ता बना सकते हैं। हाँ, आत्मा के साथ ही रिश्ता बन सकता है, देह के साथ तो रिश्ता बन ही नहीं सकता। तो आत्मा के साथ, शिव बाबा के साथ हमने जिन रिश्तों को निभाना हो तो उसमें बाबा कुछ करेगा या हमें कुछ करना है? हमें करना है, हमें करना है भाई जी, हमें करना है। बाबा कुछ नहीं करेगा, बाबा क्या करेगा? हाँ जी, बाबा कुछ नहीं करते, बाबा कुछ नहीं करते। तो हमें क्या क्या करना होगा? बाबा के ज्ञान के अनुसार सभी रिश्तों को जीना होगा आत्मिक स्वरूप में रहते हुए। अब कोई दृश्य जी कर दिखाओ जरा, एग्जांपल दे के कौन बता सकता है? बाबा कहते हैं रिश्ता सुबह से बनाना है, अगर मैं तो रिश्ता बना लूंगा पर निभाना तुम्हें पड़ेगा, मैं पर नौकर बनूंगा। तो फिर नौकर बनाएगी तो कहना तो मानेगा हमारा कि नहीं? नहीं, कहना हमें ही मानना है, कहना हमें ही मानना है। नौकर उसको बनाए, कहना हमने बनाए मानना है। बेटा उसको बनाए तो, बेटा उसको बनाए तो भी कहना हमने मानना है। बाप उसको बनाए तो भी कहना हमने मानना है, पर हमने उसका कहना मानना है। सारी बातों की जड़ समझ लेनी है। रिश्ता कोई भी उसके साथ बना लो, हमने हर रिश्ते से उसका कहना हमको मानना है। वो हमारा कोई कहना नहीं मानेगा। ये जरा भी अरमान अपने में ना रहे, कम से कम मेरा साजन है, मेरे को एक फूल तो लगा दे भी, नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। वो कोई भी काम हमारा नहीं करेगा, उनके पास शरीर नहीं है ना, उसके पास शरीर नहीं है, इसलिए शरीर नहीं है। दूसरी बात, वो हम उसको कहते तो शरीर नहीं है, कोई बात नहीं, तू मेरा नौकर है, मेरी कोई हेल्प तो करना। नहीं, किसी भी प्रकार की स्थूल हेल्प नहीं करेगा। चलो सूक्ष्म गुड़ थोड़ा सा फालतू दे देवे, नहीं, वो भी अपने आप मेहनत कर, वो है नहीं, वो कैसे हेल्प करेगा? वे गुड़ उसके पास है, गुड़ दे देवे फालतू हमें, कह नहीं मेहनत करो और पाओ, अपनी मेहनत करो, जितना गुण चाहिए उतना गुण दूसरों को बांट दे, दूसरों को बांट देगा तो तेरे खाते में जमा कर दूंगा। तरीका तो देखो ना, अजीब है ना, दूसरे का पहले भला करो, जितना दूसरे का भला करोगे उतना तुम्हारा हो जाएगा। देना ही लेना है, देना ही लेना है। वह बाबा के जो फार्मूले हैं वो सारे के सारे हमने बाबा के अनुसार यूज करने हैं। वो जरा भी हमें एक्स्ट्रा मदद नहीं करेगा। कोई उम्मीद नहीं रखनी, मैंने उसे साजन बना रखा है, सजनी बना रखा है, दोस्त बना रखा है, कुछ आपने कुछ भी बना रखा है, कहना आपको ही उसका मानना, आपने निभाना है, उसने नहीं निभाना। पार्ट अलग है, बोले यही बात देखो ना कि हम सारी सारी जिंदगी, सारे कितने जन्म जन्मों से प्रार्थना करते आए, तुम्हें माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें, तुम्हें सर्वम देव देव, सब कुछ तुम मेरे हो, हम उसको गाते आए। बिल्कुल, और समझा भी नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो समझ में थी, जीरो समझ में थे। अब कहता है आओ मेरे साथ सारे रिश्ते निभाओ, हम तैयार हो गए, चलो सारे रिश्ते निभाने का मौका मिला है, कल्प में एक बार मिलता है, दोबारा मिलेगा भी नहीं। और उसको मनाने के, उस रिश्ते को अपना अनुभव करने के लिए आप बन जाओ मेरे साथ, जो भी बन के, जिस समय जो तुम्हें माँ चाहिए मुझे माँ बना लो, बेटा चाहिए बेटा बना लो, दोस्त बना लो, नौकर बना लो, चाकर बना लो, जो मर्जी बना लो, परंतु निभाना निभाना हमें, हमने अपनी हमने पर बाबा सारे काम करने लग गया, फिर तो मेहनत किसी आत्मा को करने नहीं पड़ेगी, सारे सतयुग में आ ही जाएंगे, सारे सतयुग में बिना मेहनत के आ जाते। ये भक्ति में तो यही सोचते ना, सारा काम भगवान करेगा, प्रसाद चढ़ा दो और हो गया काम। तो यहाँ हमें ही सारा करना है, और हमने ही, हमने ही अपनी अपने आप को बाबा के अनुसार चला के अनुभव करना है। ठीक है, मेरा साजन है, मैं उसकी सजनी हूँ, मैंने उसका हर कहना मानना, मैं उसका बेटा हूँ, वो मेरा बाप है, मैंने उसका हर कहना मानना, वो मेरा बेटा है, मैंने बेटे के लिए हर कहना मानना है, मैंने कहना मानना है, जो बेटा कहेगा मैं वो करूंगा।
बहुत क्लियर सारे संबंध निभाने हैं और वो अभी निभा सकते हैं। हर संबंध से कहना मैंने मानना है, बाकी थोड़े रोज हैं। कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय है इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो, थोड़ा समय है। ये साकार मुरली है, 69 में कहा था थोड़ा समय, अच्छा हुआ हमने उस समय मुरली नहीं सुनी, नहीं उस थोड़े समय को सोचो, आज 69 से पहले की मुरली है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पुरानी है, करीब 75 वर्ष पहले। अभी भी विनाश का कोई पता नहीं है, 10 साल की 3 साल लग जाएंगे। अभी भी विनाश का कोई पता नहीं है, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 6 साल लगे। वो तो बाबा ने जी, बाबा कहते हैं तुम तैयार ही नहीं हुए, वो तो और सारे तैयार कर होंगे, इसका कुछ पता नहीं है, पता ही नहीं है। पर देखिए मतलब कहने का मतलब क्या, उस समय कहा कि थोड़ा बाकी थोड़ा समय है इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है वो खलास हो, भल माया की युद्ध चलती है तो मुझे याद करेंगे वो याद करने से हटाएगी, माया याद करने से हटाएगी, ये भी बाबा बता देते हैं। इसलिए कभी विचार नहीं करना, कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिर जाए तो भी डरना नहीं है, बहादुर रहना है। क्या करना है? बहादुर रहना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना किसको, संकल्पों से नींद फिर जाए, किस बात के संकल्पों में नींद फिर जाए? संकल्पों में सारी रात क्या होता है कि यदि कोई भी विकल्प आ गया हमारी बुद्धि में तो हमारी नींद क्या होती है, फिट जाती है। किसी को भी रात को ऐसे ख्याल आ जाए जो हमारे दिमाग को नींद को खराब कर दे और हमें फिर नींद ही ना आए, कितनी देर तक जागते रहो व्यर्थ में यानी। हाँ, तो संकल्पों में सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं, मतलब कैसे भी संकल्प आए, आ गए ना, खत्म बात, उसको भूल जाओ, उसमें दुखी नहीं होना, डरना नहीं है जरा सा, याद रखना है, बहादुर रहना है। बाबा कह देते हैं ये आएंगे जरूर, स्वप्न भी आएंगे, संकल्प भी आएंगे, स्वप्न भी आएंगे। आपने कभी सपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसे ऐसे सपने आ जाएंगे, स्वप्न भी आएंगे, इन सब बातों में डरना नहीं। हमारी एक बहन है जो यहां क्लास करने आती है, आजकल वो रीनी बहन की क्लास सुनती है, मैं इस क्लास के बाद आपको उसकी बात सुनाऊंगा तो उसका आप जस्टिफाई करना कि क्या सच है और क्या झूठ है। बाबा कह देते हैं ये आएंगे जरूर, क्योंकि वो सपने पर चलाई, मुझे सपने पर याद आ गया इसलिए मैंने उसको निकाल दिया है, उसको मैं थोड़ी देर में क्लास खत्म करने के बाद चला के चर्चा करेंगे उसके ऊपर। स्वप्न भी आएंगे, इन सब बातों में डरना नहीं, युद्ध का मैदान है ना, ये सब विनाश हो जाने हैं, ये सब क्या होने हैं, ये सब विनाश हो जाने हैं। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना। ये क्या मतलब है, श्वास बंद करने का क्या मतलब है भाई, हम कोई श्वास बंद करते हैं? हठ योग करते हैं ना भाई जी, प्राणायाम करते हैं, सांस रोकते हैं। अच्छा, जो अपने सांसों को रोक कर बैठ जाते हैं, प्राणायाम का मतलब प्राणों को हवायु को रोकना, सांस अंदर भर लिया और फिर नाक बंद करके रोक करके बैठ जाते हैं, इसका अभ्यास कराते हैं, मतलब उसके बाद वो धीरे 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 समय बढ़ाते हैं, पहले कोई 1 मिनट रोक पाता है, फिर 1.5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, ऐसे बढ़ता जाता है, तो धीरे धीरे समय बढ़ाता जाता है। और ये हठ है, इसको बोलते हैं रिद्धि सिद्धि,
तो जब रिद्धि सिद्धि की बात आती है इसको बोलते हैं कि इस रिद्धि से आपको सिद्धि मिलेगी, मतलब ऐसे करते जाओगे तो धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जिसके लिए मतलब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक के जैसे गाय पालते थे ना, तो बछड़ा पैदा हो गया। अब बछड़ा पैदा हो गया तो वो बच्चा था और उस बच्चे को उठा लेता था अपना, दिक्कत नहीं हुई। धीरे धीरे वो बछड़ा बड़ा होता गया और वो उसको उठा लेता था, जितना भी बड़ा होता गया वो उसको उठा ही लेता था, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि उसने रोज आना उसको उठाना था, तो धीरे धीरे वो बैल बन गया। तब भी उसकी ताकत उसके अंदर इतनी थी कि वो बैल को भी उठा लेता था, क्योंकि उसने उसके साथ साथ उसके, क्योंकि रोजाना वजन बढ़ाता गया ना, जैसे वेट लिफ्टर होते हैं ऐसे वो उसको भी उठा लेता है। तो मतलब यहां पर मैं उस बात को यहां इसलिए कह रहा हूं कि धीरे धीरे वो अपना रोजाना टाइम बढ़ाते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ समय बढ़ाते जाते हैं, तो जिससे हमारा शरीर हैबिचुअल होता जाता है, हम आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे तक भी, और ज्यादा समय तक भी, पूरा दिन दिन तक भी जो है ना प्राण को रोक कर बैठ जाते हैं। उनकी जितनी क्षमता होती है, हर एक जितना अभ्यास करता है, वो अपने हवा को, वायु को, सांस को रोक लेता है, उतनी देर तक सांस नहीं रहता है। तो आप जब वो सांस नहीं लेगा तो मरेगा नहीं, ये भी वंडरफुल बात है। वो बॉडी के अंदर से कहां से कैसे ऑक्सीजन प्राप्त करनी है वो अपने आप लेता रहेगा, परंतु मरेगा नहीं। तो यही फिर जो है ना उस समय गोताखोर का काम करते थे, कोई बच्चा कुएं में गिर जाता था तो वो उसको उठा के निकाल कर ले आते थे, कोई औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी है, मतलब इस प्रकार से, मतलब नदी में बह जाते हैं या कहीं भी, तो जो गोताखोर होते हैं समुद्र में भी गोता लगाकर दो दो घंटे, तीन तीन घंटे समुद्र के अंदर रह करके वो उसे निकालने की कोशिश करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते थे। तो हमें समझ में आ गया, ये उस समय ये रिद्धि सिद्धि की जाती थी ताकि इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सके। और वो तो ठीक है, जैसा भी योग्यता अपने अंदर लाए, परंतु इससे बाबा कहते कोई लाभ नहीं। आपने कोई श्वास बंद नहीं करना, आपने कोई हठ नहीं करना है। आत्मा जब माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास बंद नहीं करना है, आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता है, इसमें श्वास आदि बंद करने की भी कोशिश नहीं करनी है, आपने बंद करने की कोशिश नहीं करनी है। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं, बहुत तकलीफ होती है, और कई तो मरी जाते हैं इस जिद में आकर के, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि अभ्यास ज्यादा कर लेते हैं और अभ्यास ज्यादा कर जिद कर लेते हैं कि नहीं मरता मैं, परंतु और हार्ट जो बीट है या हार्ट का जो पंप है वो काम करना बंद कर देता है, तो जिसके कारण फिर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती और डेथ हो जाती है। तो जिद नहीं करनी है, जितना सहज रीति हो करो, नहीं तो कोई इससे लड्डू मिलने वाले नहीं है। हाथियों आदि में कितनी तकलीफ करते हैं, बाबा को अनुभव है, थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी हो ना, मतलब ब्रह्मा दादा लेखराज भी सीखने के लिए जाते थे, परंतु फुर्सत कहां, काम करें कि वो अभ्यास करें। जैसे आजकल तुमको कहते हैं ज्ञान तो अच्छा है, परंतु फुर्सत कहां, इतने कारखाने हैं, ये है। तुमको बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और चक्र को याद करो बस। क्या ये डिफिकल्ट है? सत्युग त्रेता में इन्हों का राज्य था, फिर इस्लामी बोधि आदि की तरफ वृद्धि होती गई, वे अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह ना सके, क्योंकि अपवित्र बन पड़े। देवताएं तो पवित्र थे, ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वे हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं। हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा, भारत माता की जय बोलते हैं, परंतु कभी हिंदुस्तान माता की जय
बोलते हैं? नहीं बोलते। असल नाम भारत है, कहते भारत माताओं की जय। हिंदुस्तान की माताएं थोड़े कहते हैं, भारत में ही इन देवताओं का राज्य था, भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं, बाप को कैसे कैसे याद करना है। बाप आए ही हैं घर ले चलने के लिए, किसको घर लेके जाएंगे? आत्माओं को। आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो, पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे। अगर सजाएं खाई तो पद कम हो जाएगा, इसलिए जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद कर नहीं सकते, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं हैं, ऐसे भी है। समझा? समझा जाता है। राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी होनी चाहिए, चाहिए ना, बल वहां दुख नहीं होता। परंतु गरीब और सौकार तो हर हालत में होंगे, गरीब और सौकार तो हर हालत में होंगे, ये है कलयुग। यहां सौकार व गरीब दोनों दुख भोगते, दोनों क्या करते हैं, दुख भोगते हैं। वहां ओम शांति, ओम शांति। वहां दोनों दुख, गरीब वहां सौकार व गरीब सत्युग था तो सारे सुख भोगते हैं, परंतु कलयुग में सब दुख भोगते हैं। वहां दोनों सुखी रहते हैं, परंतु गरीब सौकार की भाषा तो रहती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, रहते सारे सुखी हैं, परंतु ये अंतर तो रहता है कि ये हमारा बॉस है, ये गरीब है। दुख का नाम नहीं होगा, बाकी नंबर वार तो होते ही, कोई रोग नहीं, सत्युग में कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होती है। एक भाई ने यहां पर प्रश्न पूछा है कि सतयुग में सांप होता है, शेर होता है? सतयुग में कोई हिंसक जीव नहीं होते हैं ना, मक्खी मच्छर नहीं होते भाई जी, हिंसक जीव नहीं होते हैं। फिर ये पैदा कहां से हो जाते हैं? जैसे जैसे हमारी मनोवृत्ति हमारी खराब होती गई वैसे वैसे ये हिंसक जीव आ गए। ये इनको आखिर पहला पैदा कर, हम इंसान पैदा हुए, हमारे जोड़ी रखी हुई थी, हमारा शरीर रखा हुआ था, उन्होंने आकर हमें पैदा कर दिया, आखिर पहली बार ऐसे अचानक शेर पैदा कैसे हो गया? होते हैं पर दुख नहीं देते हैं। सत्युग में होते हैं शेर? होते हैं भाई जी, पर दुख नहीं देते हैं। क्या सबूत है आपके पास? तो भाई जी सत्यु में होंगे जब तो ये होते हैं। यदि सत्युग में सांप होते हैं वो दुख क्यों नहीं देते? क्या सबूत है कि वो दुख नहीं देते? होते हैं और दुख नहीं देते। शेर हो और मांस नहीं खाता भाई जी, दुख का हिसाब किताब नहीं होता है उनका। हाँ जीव जंतु भी सत्व प्रधान होते हैं, तो हमारे आत्मा होते हैं वो भी सत्व प्रधान होते हैं, दुख का कोई हिसाब नहीं होता है। शेर तो शेर वहाँ घास खाता है क्या? हम भी घास खाता है, फल फ्रूट खाता है, वो भी घास खाता है, फल फ्रूट खाता है। हमने यही बताना है कि हम जब सत्व प्रधान थे, हम भी शाकाहारी थे, हम भी किसी को दुख नहीं देते थे, तो वो भी वहां पर शाकाहारी थे, वो भी दुख नहीं देते थे। आज हम मांसाहारी बन गए हैं तो वो भी मांसाहारी बन गए। हम क्यों मांसाहारी बन गए? हमने मांस खाना शुरू कर दिया, उन्होंने भी मांस खाना शुरू कर दिया। हमारे अंदर विकार आए तो उनके अंदर भी विकार आए ना, क्योंकि वो सांप है,
सांप जो सांप और जो भी जो चीज उसे मिलती होगी, जो खाता होगा खा लेता होगा, पर ये थोड़ा ना कि उसके अंदर जहर होगा, किसी को मारेगा, वो कभी किसी को दुख देगा ही नहीं। आप सांप के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते मुझे नहीं पता, पर तो सांप के बारे में सांप की विशेषता है कि यदि आप उसे कुछ नहीं कहते वो आपको अपने आप नहीं काटेगा। इवन कोई भी जानवर, कुत्ता हो, कोई भी जानवर यदि आप उसे कुछ कहेंगे तो वो फिर अपनी सुरक्षा के लिए आपको काट सकता है, आपको सींग मार सकता है, आपको दुख दे सकता है, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो भैंसा हो, चाहे कुछ भी हो, यदि अपने बचाव के लिए आप उसे दुख देते हैं, वो अपने बचाव के लिए वो आपको अटैक कर सकता है। परंतु ये याद रखे कार्मिक के कौन, मतलब जानवर सभी प्रकार के सब समय होते रहे, परंतु बात ये थी कि उस समय जो भी थे हम सत्व प्रधान थे, प्रकृति भी सत्व प्रधान थी, जीव जंतु जानवर भी सत्व प्रधान थे। जैसे जैसे हम तमो प्रधान बने ऐसे वो भी तमो प्रधान बनते गए। हाँ जी, जानवरों मतलब आत्माएं में रहती है, मतलब की देखिए आत्मा तो कोई बढ़ या घट सकती नहीं, आत्मा है। हाँ जी, उनकी आत्मा कम रहती होंगी, जैसे आप यावका मच्छर की आत्मा बहुत दिक्कत है, वहां कम रहते होंगे ऐसा चीज मच्छर। वो तो देखो सब चीज कम, तो देखो हम मनुष्य भी तो कम थे, हम मनुष्य आत्माएं भी कम थे, पशु पक्षी जीव जंतु भी कम थे, परंतु कुछ जीव जातियां बाद में बदल जाती हैं वातावरण के अनुसार, प्रकृति के अनुसार। अब शेर को ले लो, अब शेर की जातियां कितनी बन गई, अब वहां शेर की एक दो जातियां रही होंगी, आज शेर की जातियां इतनी हो गई हैं, और वहां मानव आदि मानव और ये सारे कितने प्रकार की बिरादरियां, कितने प्रकार के गोत्र, कितने प्रकार के झमेले, कितने प्रकार के बढ़ते गए जनसंख्या। अब सबकी जैसे जैसे माहौल में जाकर रहे वहां का उनका रहन सहन खान पान जीवन वैसा बन गया। हाँ तो वहां पर शेर और बकरी घाट पर पानी पिएंगे, दोनों ही शाकाहारी है, दोनों को कोई आपस में झगड़ा है ही नहीं। शेर जब मांस खाने लगेगा तब तो मांस, अब सतयुग के अंदर स्त्री पुरुष को कोई झगड़ा था क्या, आज कितना झगड़ा हो गया है, आज स्त्री पुरुष का झगड़ा ही देख लो कितना भारी बन चुका है जी। ये भी नंबर वार आएंगी भी, बिल्कुल ये सत्व प्रधान कैसे बनेंगे, ये अपने आप थोड़ी बनेंगे, इनको तो इनके लिए आपने तपस्या करनी है ना, इसके लिए हमने चर्चा बाबा ने समझाया है कि पशु पक्षी जीव जंतु और प्रकृति ये योग नहीं लगा सकते, इनके लिए योग आपको लगाना है, आपका व्यवहार उन्हें सतयुग में लाएगा और आपका ही व्यवहार उनको सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनाएगा। अब जिन कुत्तों को चपावन बनाने का काम कर रहे हैं ना, हाँ हम उनके साथ व्यवहार अच्छा कर रहे हैं, जिन जीव जंतु पशु पक्षियों के साथ हमारी दृष्टि उनके प्रति खराब नहीं जाती है तो नेचुरल है कि अच्छी जाती है ना। अब हम किसी कुत्ते को, किसी सुअर को, किसी पशु को, किसी पक्षी को, किसी को भी हम नफरत की दृष्टि से नहीं देखेंगे, हम प्यार की दृष्टि से देखेंगे, रूहानी प्यार की दृष्टि से देखेंगे कि ये भी सतयुग के अंदर सत्व प्रधान होंगे और हमारा उनके प्रति जो व्यवहार होगा तो वो व्यवहार फिर हमारे प्रति भी ऑटोमेटिक अच्छा आएगा ना। जैसे हम आत्माएं तो सेपरेट छोड़ के जाएंगे, ये आत्माएं ये भी शरीर छोड़ के जाएगी, वे आग लगेगी तो भी शरीर इनको छोड़ना है, प्यार से भी शरीर छोड़ना है, मार खा के भी शरीर छोड़ना है। अब इनको कौन सुनाए बैठ करके, इनको सुनाने की जरूरत नहीं है। अब जब बाढ़ आती है कितने पशु बह जाते हैं, मर जाते हैं कहां जाकर के, तो मरते ही है ना। तूफान आते हैं कितने पक्षी मर जाते हैं, कितने बड़े बड़े तूफान आते पक्षी खत्म हो जाते हैं सर, कहां तक उड़े कहां जाएं, उनके पेड़ भी गए, कोई जगह ही नहीं कि रुकने की जगह उनको नहीं, कहीं स्थिर होने का स्थान ही नहीं, इतनी तेज तूफान जाके
कहीं भी टकरा देते हैं। तो भाई जी उनका शरीर ही खत्म होता है, आत्माएं तो आत्मा तो अमर है। जब लास्ट में बॉम्ब चलेंगे हमारे भी तो शरीर ही खत्म होंगे, हम आत्मा तो घर जाएंगे ना। तुम बहुत क्लियर समझना है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अपनी बुद्धि में रखने की जरूरत नहीं। सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा, दुख धाम और सुख धाम को याद अभी बात दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसा था, कुछ नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद आ ना सके। बाप कहते हैं कल तुमको सुख था, कल हा कल फिर होगा, तो यहां बैठ फूलों को देखते हैं, ये अच्छा फूल है, ये इस प्रकार की मेहनत करते हैं, ये स्थेरियम नहीं है, ये पत्थर बुद्धि है। बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती। हाँ समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर सौकार हो जाए, पढ़ना पढ़ाना भी है, सौकार हो जाए हमें ये पढ़ाना भी है, बच्चे तो बने हैं, परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हो और वे भी कहां तक पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैसे फूल हैं, ये बाप बैठ देखते हैं, क्योंकि ये है चैतन्य फूलों का बगीचा। फूलों को देखते भी कितना खुशी होती है, बच्चे खुद भी समझते हैं, बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर जो पद पाएंगे उसको कहा जाता है मानी और मोचड़ा, मानी और मोचड़ा। ये क्या बोला है मानी और मोचड़ा, मानी मोचड़ा क्या होता है? आपकी अनिल भाई जी बात समझ में नहीं आती, किसको समझ में आई अनिल भाई की बात? अनिल भाई ने जो कहा किसको समझ में आया? किसी को ही नहीं आया। अनिल भाई दोबारा बता दो भाई जी। सरकार लोग एक मोटा रोटला बनाते हैं और घी से खाते हैं। अच्छा देसी घी के साथ, मजे वाली बात है। हाँ हाँ जी भाई जी, थोड़े से पद में खुश हो जाएगा। मानी होती है गरीबों वाली मोटी मोटी रोटी जो अंगारों में सेकी जाती है सूखी सूखी, और फिर मोचड़ा होता है जो जूते को भी कहते हैं मोचड़ा कहते हैं, चमड़े के हंटर को जो जेल में मिलते हैं, वहां पर पिटाई भी होती है और मोटी मोटी रोटियां भी खाने को मिलती है। जो बाबा का कहना नहीं मानते हैं फिर उनको मानी और मोचड़ा, हाँ उनको मानी और मोचड़ा मिलता है। ठीक है, बाप को याद करते रहेंगे तो पाप करते जाएंगे, यदि बाबा को याद नहीं करेंगे तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे, इसको कहा जाता है मानी और मोचड़ा। बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के सारे पाप कट जाए। चक्र को जानना भी है, चक्र फिरता रहता है, कब बंद नहीं होता है, जो मिसल चलता रहता है, या नोट करना ये उसमें बात आएगी। चक्र चल, ये जो उस बैठ ने लिखा है उसने इस बात का भी जिक्र किया है, तो यहां उसने कैसे जिक्र किया है और आप कैसे समझेंगे वहां ये चर्चा करनी है। बाबा ने क्या कहा है कि कब बंद नहीं होता, क्या बंद नहीं होता, ये चक्र कभी बंद नहीं होता, फिरता रहता है, जू मिसल चलता रहता है, एकदम धीरे 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 धीरे, जू सबसे आहिस्ता चलती है, ये बेहद का ड्रामा भी बहुत बहुत आहिस्ते आहिस्ते चलता है, टिक टिक होती रहती है। 5000 वर्ष में कितने सेकेंड्स, कितने मिनट, कितने होते हैं, ये हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब निकाल ना सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं, बाबा एक एक को बैठ देखते हैं,
ये बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान है उठाया है, औरों को कितना समझाते हैं, बहुत सहज। सिर्फ बाप का परिचय दो, बैज तो बच्चों के पास है ही, बोलो ये है शिव बाबा, काशी में जाओ तो भी शिव बाबा, शिव बाबा कह याद करते हैं, रड़ी मारते हैं, तुम हो शालिग्राम। आत्मा बिल्कुल छोटा सितार सारा, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, 5000 साल का, हर आत्मा में, सभी आत्माओं में, जो सिर्फ जन्म ही दो लेंगे उनके अंदर 5000 साल का क्यों भरा, उनको तो दो अच्छा, उनका खाली खाली कैसे परम धाम में रहने की, वो भी चलती रहती है, ठीक। हर आत्मा में 5000 साल का पाठ भरा हुआ है, आत्मा घटती बढ़ती नहीं, जवाब मिल रहा है आपको, आत्मा घटती बढ़ती नहीं, विनाश नहीं होती, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है, हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई नहीं होता, उस जैसा सख्त पत्थर कोई नहीं होता। जोहरी लोग जानते हैं आत्मा का विचार करो कितनी छोटी है, उनमें कितना पार्ट भरा हुआ है जो कभी भी घिसता नहीं, जो कभी भी घिसता नहीं, दूसरी आत्मा होती नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर, सतगुरु कहें, है ही नहीं। ये एक बेहद का बाप है, शिक्षक है, सबको शिक्षा देते हैं, मन मना भव। तुमको भी कहते हैं कि कोई धर्म वाला मिल वाले मिले उनको कहो अल्लाह को याद करो, करते हो ना, आत्माएं सब भाई भाई हैं। अब बाप कहते हैं, बाप शिक्षा देते हैं कि मां में कर्म याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ही पतित पावन है, बाप ही क्या है, पतित पावन है, बाप आकर के हम सबको पतित से पावन बनाने का कार्य करता है। ये किसने कहा, बाबा पूछ रहा है, पूछने देवे हां जी, ये किसने कहा, आत्माओं ने कहा कि बाप पतित पावन है, बाप पतित पावन है, मनुष्य भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं सुनते, मनुष्य गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते, कितनी कमाल की बात है। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं हूं राम, सब भक्तों का सदगति दाता मैं हूं, सबकी सदगति कर देते बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। सतयुग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम बाप से वर्षा लेते, हम क्या करते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। भाई जी, हाँ जी, परमात्माओं कैसे बोलते हैं कि आप सब पिताए हैं तो इसमें आप भी आ गई, सब पिताए हैं तो नहीं हूँ राम, हाँ शिव बाबा, शिव बाबा राम है ना, लेडीज के लिए बात की ने तो सब सब आ गए इसमें, हाँ सब आत्माएं, सभी सभी चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी आत्माएं सीता हैं, जो भी भक्ति करते हैं
वे सब सीताएं हैं। ठीक है जी, यहां तो देखो कितनी ढेर आत्माएं हैं, कितनी ढेर आत्माएं हैं और कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीजें हैं, वहां ये कुछ भी नहीं होगा, वहां ये कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा, सिर्फ क्या होगा, भारत ही होगा। ये रेल आदि भी नहीं होगी, सतयुग में ये रेल आदि भी नहीं होगी। सब खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वहां रेल की दरकार ही नहीं, छोटा शहर होगा, रेल तो चाहिए दूर गांव में जाने के लिए। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट्स समझाते रहते हैं, बाबा हमें भिन्न भिन्न पॉइंट्स समझाते रहते हैं। बच्चों के लिए यहां बैठे हो, बुद्धि में सारा दिन, बुद्धि में सारा दिन बस क्या रहे, ये जो बाबा का ज्ञान है वही हर वक्त चलता रहे। ये ज्ञान जो है ना, जरा भी इधर उधर नहीं हो। और जैसे परम पिता परम आत्मा, जैसे परम पिता परम आत्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है, जो तुमको समझाते रहते हैं, ऊंचे ते ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर है। हम आत्माएं भी सब वहां स्वीट होम में रहने वाली हैं। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं, गाया जाता है, आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वाधर्म ही है ही शांति। मुख ही नहीं, मुख ही नहीं, कर्म इंद्रियां ही नहीं, तो जरूर शांति ही होगी। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहां बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहां से पहले हम आते हैं सुख धाम में, अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफर होते हैं सुख धाम में। बाप पावन बना रहे हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि कुछ भी वहां नहीं होंगे, वहां कुछ भी नहीं होंगे, इतनी पहाड़ियां आदि कुछ नहीं होंगी। हमारी राजधानी होगी, जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है, वंडर देखो कितनी बड़ी सृष्टि है, यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा, बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो जाए, हो ये सब कहां जाएंगे, इतना सब खत्म हो ये सब कहां जाएंगे, समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे, इनको इनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती है वो अंदर ही खत्म हो जाती, सागर हप कर लेता है, तत्व तत्व में मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति, तुम्हारी वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते, सतयुग में ये लिपस्टिक नहीं मिलेंगी,
इनके हाँ ये सारे शौक यही खत्म कर लेने हैं। क्या हम यहाँ लिपस्टिक लगा सकते हैं? क्या जरूरत है? क्या जरूरत, क्यों लगाए? बाल काले कर सकते हैं, क्या जरूरत है? फेस पैक एक पता नहीं क्या क्या कलर करके लगाते हैं, नीले पीले हरे लाल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आत्मा का श्रृंगार करना है, ये सारा का सारा देह अभिमान है, चाहे वो दीदी हो तो चाहे कोई हो, यदि वो इन सब का यूज कर रही है समझ लो कि वो देह अभिमानी है, एकदम सीधे सीधे, इसमें किसी भी प्रकार का छुपाव नहीं है, चाहे वो माउंट आबू में रहती हो चाहे माउंट आबू के बाप के पास रहती हो। यदि वो बॉडी का श्रृंगार कर रही है तो अभी उसे देह अभिमान है। बहुत सारी बहनें ऐसे कहती हैं, हमें भाई जी बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना होता है, मिलना होता तो क्या हो गया, वो देखेंगे बाल सफेद है, क्या हो गया, रिस्पेक्ट करेंगे, बुढ़िया है, उनकी आंखें खराब नहीं होंगी, क्यों अपने बाल काले करके अपने आप को यंग दिखाने का प्रयास कर रहे हो? मतलब बहुत सीधा सा सीधा सा, मतलब बाबा कहते सिंपल रहो ना, जैस जो है जैसा है, आपकी सुंदरता आपके व्यवहार है, आपके विचार है, आपकी दृष्टि है, आपके बोल है, आपके कर्म है। मतलब बहुत सारी बहनें यही कहती है कि हमें बड़ी बड़ी कंपनीज में जाना होता है, वहां ऐसे थोड़ा मेकअप नहीं करे तो क्या क्या लगेगा, कर लो भी मेकअप। लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए, तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो, ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं, और कोई उपाय है नहीं, बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सांवरी बन गई हो, माशूक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है, देखा अपने बारे में कितना कितना नशा है बाबा को, वो अपने आप कहते मैं कितना सुंदर हूँ, कितना मुसाफिर हूँ, मैं मुसाफिर हूँ बड़ा सुंदर, जो आकर तुमको सुंदर बनाता हूँ तुम्हें भी आकर सुंदर बनाता हूँ। बाप कहते मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता हूँ, तुम सांवरे से सुंदर बनते हो, सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर, एवर प्योर एवर ब्यूटीफुल तो एक ही बाप है। ये बाबा सांवरा और सुंदर बनते हैं, ये बाबा जो दुनिया वाला बाबा है ना ब्रह्मा बाबा, ये सांवरा और सुंदर बनता है, तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हैं, तुम बच्चों को सुंदर बन फिर और सबको बना सुंदर बनाना है, बाप तो शाम सुंदर बनते नहीं, गीता में भूल कर दी है, बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसको ही एकज कहा जाता है, एकज भूल, सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग, उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है उनका नाम डाल दिया है। ये कोई समझते थोड़े ही है कि भारत सुंदर बनने का है, वे तो समझते हैं 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग बनेगा, अभी तो 40,000 साल पड़े हैं, स्वर्ग 40,000 साल चलेगा उसके बाद सुंदर बनेगा, और तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 साल का है, तो आप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं आधा कल्प का माशूक हूं, तुम मुझे पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं को आशिकों को पावन बनाओ, तो उनकी मत पर चलना है, चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, वे सब कुछ करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों को आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ, बच्चों को संभाल भल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा
और बच्चे पैदा नहीं करें, नहीं तो वो याद आते रहेंगे इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है, तो इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है। जो कुछ तुम देखते हो ये सब खत्म होने वाला है, हो जाने वाला है। शरीर खत्म हो जाएगा, बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा, शरीर भी नया मिलेगा। यह है बेहद का संन्यास। बाप नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा ये बता दो, स्वर्ग में क्या नहीं होगा? अपार सुख है। स्वर्ग तो यहां होता है, दिल वाला मंदिर भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहां दिखावे? वे फिर छत में दिखा देते हैं। ऊपर राज्य पद खड़ा है, कितना अच्छा मंदिर है, कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर है अचल घर, अचल घर देखा किसी ने? आपने बताया था भाई जी, देखा नहीं है। देखा नहीं है, ठीक है ना? वहां पर एक शिवलिंग है, परंतु वो सीधा शिवलिंग ना होकर के साइड से बना हुआ है शिवलिंग, और जैसे अंगूठा कहते हैं वो शंकर जी का अंगूठा है, और सारी धरती में जब हलचल हुई तो उसको स्थिर करने के लिए उन्होंने अपने अंगूठे से यहाँ से सारी पृथ्वी को रोक दिया था। और उसमें कितना भी पानी डालते जाएंगे, जैसे हमारे जो टॉयलेट होता है उसमें कितना भी पानी डालते जाओ उतना ही पानी रहता है, या ननी ट्रेप है उसमें जितना भी पानी डालते जाओ सारा पानी पहली तरफ निकलता जाएगा। इसी प्रकार से उसका भी पानी कहाँ निकल रहा है वो कहते हैं हमें नहीं पता, बस पानी डालते जाओ इतना ही पानी रहेगा। सोने की मूर्तियां हैं, उनसे ऊपर है फिर गुरु शिखर। गुरु सबसे ऊपर बैठा है, और वहां पर गुरु शिखर भी है, वो देखा भी नहीं होगा। वो वहां से लगभग, हाँ जी, दत्तात्रेय का मंदिर है। हाँ, दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है, उसके ऊपर गुरु शिखर बना हुआ है। वो सबसे ऊंची चोटी है, हमारी जितनी भी अरावली पहाड़ी है उन सब पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी वो है। जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, तो ऐसे ही वो भी जो है ना सबसे ऊंची चोटी है। गुरु सबसे ऊपर बैठा है, ऊंचते ऊंच है सतगुरु, फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। तो ये दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है, राजयोग तुम सीखते हो फिर स्वर्ग यहाँ होगा। देवताएं यहाँ थे ना, यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं है, माया की युद्ध से डरना नहीं है। विजयी बनकर दिखाना, माया पर विजयी बनकर दिखाना है। आज का वरदान है महादानी बन प्राक दिल से खुशी का खजाना। बांटने वाले मास्टर रहम दिल भाव, क्या बनो? मास्टर रहम दिल। हाँ।
रहम दिल बनो। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन प्राक दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो, अपने अंदर रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते चलो, बांटते जाओ। क्योंकि परवश आत्माएं हैं, कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं। आप रहम दिल बन देते जाओ, आपकी शुभ भावना इनों को फल अवश्य देगी। स्लोगन है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। योग की शक्ति द्वारा जितना जितना योग का बल आप में बढ़ता जाएगा, हर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही क्या बन जाएंगे, स्वराज्य अधिकारी है। अच्छा, ओम शांति। मैं आपको उस बहन की आवाज सुना रहा हूं, उसने मेरे पास ये संदेश भेजा है, उसको ध्यान से सुनना। उसने किसी बहन की मुरली सुनना शुरू किया और मेरे को भी कहा कि आप भी मुरली सुनो। मैंने पहले सुनी हुई है एक दो बार उसकी मुरली, किसी ने मेरे पास भेजा कि ये बहन बहुत अच्छी ज्ञान सुनाती है, और मैं वो सुना रहा हूँ। उसके ऊपर क्या असर हुआ है ज्ञान के आधार पर, आप सब ने उसके ऊपर बताना है क्या ठीक है और क्या रोंग है। ड्रामा के अंदर नहीं आती आत्मा, आत्मा के अंदर ड्रामा चलता है अपनी उसी अवस्था के अंदर ही। जैसे सभी आत्मा बाबा के पास रहती है वैसे ही रहती है, और उनका जैसे जैसे टाइम शुरू हुआ वो वैसे वैसे उस पार्ट